नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दत्त है। मैं व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा में कार्यरत हूँ। आइए आज हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2007 के बारे में। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में सर्वप्रमुख हैं डेस्कटॉप क्या होता है, किस प्रकार से हम गैजेट्स को ऐड कर सकते हैं, टास्क बार एवं स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, इनकी क्या फंक्शनिंग होती है, किस प्रकार हम किसी एप्लीकेशन को टास्क बार में पिन या अनपिन कर सकते हैं। आइए देखते हैं विंडोज 7 का डेस्कटॉप। डेस्कटॉप आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, कुछ मार्क किए गए चित्र में, जिनमें हैं टास्क बार, विंडोज आइकन्स, डेस्कटॉप एरिया। टास्क बार जिसमें आपकी ओपन टास्क आपको दिखाई देती हैं, जो आपने ओपन किए हुए विंडो हैं वो टास्क बार में आपको दिखाई देते हैं। ये एक सैम्पल डेस्कटॉप है, इस प्रकार से आपको डेस्कटॉप दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस प्रकार हम विंडोज 7 में गैजेट्स को ऐड कर सकते हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है, क्या उसका प्रोसेस हो सकता है। आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए, तत्पश्चात आपको पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा। चित्र में पॉपअप मेन्यू दिखाई दे रहा है, आप क्लिक कीजिए गैजेट्स पर। गैजेट्स में क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन इस प्रकार दिखाई देगी। जो भी आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड या प्री इंस्टॉल्ड गैजेट्स हैं उनकी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार किसी भी गैजेट को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे डेस्कटॉप में ला सकते हैं। किस प्रकार आप गैजेट सेलेक्ट करेंगे उसका प्रोसेस चित्र में दिखाई दे रहा है। या तो किसी गैजेट के ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए, अथवा किसी गैजेट पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऐड ऑप्शन दिखाई देगा, चित्र में रेड मार्क किया हुआ है। ऐड में क्लिक करने के बाद आपका वो गैजेट डेस्कटॉप पे दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार हम कोई भी गैजेट डेस्कटॉप पर ओपन कर सकते हैं। ये एक सैम्पल चित्र है, आपका जो है ऐड किया हुआ गैजेट डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है। आपने वॉच जो है सेलेक्ट किया था, उसको ऐड करना चाहा था गैजेट्स के रूप में, वो आपको डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है। टास्क बार क्या होता है, जिसमें ओपन टास्क जितनी भी आपकी मशीन में हैं वो दिखाई देती हैं, उनके आइकन दिखाई देते हैं। चित्र में टास्क बार दिखाया गया है। टास्क बार से आप किसी भी ओपन एप्लीकेशन पर मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। एक नई सुविधा है विंडोज 7 में, जिसको हम एरो पीक के नाम से जानते हैं। एरो पीक का अर्थ है जो ओपन टास्क है उसका प्रीव्यू आपको दिखाई देता है। चित्र में उसका प्रीव्यू दिखाई जा रहा है। अगर आप माउस का मूवमेंट करते हैं किसी टास्क के ऊपर, उसका प्रीव्यू आपको सामने दिखाई देता है। इसको एरो पीक के नाम से जानते हैं। माउस पॉइंटर जो ही आप उस आइकन के ऊपर ले जाएंगे, ये एरो पीक दिखाई देने लगेगा। स्टार्ट मेन्यू एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है विंडोज 7 का, किस प्रकार दिखाई देता है विंडोज 7 में, चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके क्या क्या महत्वपूर्ण भाग हो सकते हैं, उन पर हमने फोकस करने की कोशिश की है। स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट बटन एरो के माध्यम से मार्क किए गए हैं। साथ ही इस स्टार्ट मेन्यू में आपको प्रोग्राम्स की लिस्ट दिखाई देगी। जो भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं अमूमन उनकी लिस्ट दिखाई देगी। और साथ ही एक और बटन आपको दिखाई देगा जिसमें ऑल प्रोग्राम्स लिखा होगा। जो भी कंप्यूटर में इंस्टॉल प्रोग्राम्स हैं वो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। सर्च बॉक्स आपको दिखाई देगा, अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं वो ढूंढ सकते हैं। इस प्रकार कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप कुछ हेल्प और सपोर्ट चाह रहे हैं वो आपको दिखाई देगा। और साथ ही अगर आप अपनी मशीन को शट डाउन अर्थात बंद करना चाहते हैं, या रीस्टार्ट पुनः दोबारा से आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बटन भी आपको शट डाउन बटन में मिलेंगे। ये एक स्मॉलर व्यू आपको दिखाई दे रहा है, किस प्रकार स्टार्ट मेन्यू आपको दिखाई देगा। एक अगला महत्वपूर्ण कड़ी विंडोज 7 में, जिसको हम नोटिफिकेशन एरिया के नाम से जानते हैं, चित्र में दिखाई दे रहा है, जो आपके टास्क बार के दाहिनी ओर दिखाई देता है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बटन्स और फंक्शंस अवेलेबल हैं। एक है एक्शन सेंटर, जिससे आपके नोटिफिकेशन जो भी अलर्ट्स
इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, एक्टिविटीज़ आपके कंप्यूटर में, आपके बिहाइंड क्या चल रही हैं वो नोटिफिकेशन में काउंट होते हैं। चित्र में एक सैम्पल के तौर पर नोटिफिकेशन दिखाया गया है। साथ ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है शो डेस्कटॉप। अगर आप अपने माउस पॉइंटर से शो डेस्कटॉप, जिसको हमने मार्क किया हुआ है एरो के माध्यम से दिखाया गया है, अपने माउस पॉइंटर से वहाँ पर क्लिक करते हैं और आपकी स्क्रीन पर कोई एप्लीकेशन खुले हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएंगे, अर्थात वो टास्क बार में आ जाएंगे और आपको डेस्कटॉप दिखाई देने लगेगा। उसके साथ ही मिलता हुआ ऑप्शन है डेट और टाइम। आप अपनी मशीन पर डेट और टाइम क्या चल रहा है देख सकते हैं और साथ ही एडिट भी कर सकते हैं, अर्थात चेंज भी कर सकते हैं। इसी प्रकार हम बात कर रहे थे किस प्रकार किसी एप्लीकेशन को आप अपने टास्क के बारे में पिन या अनपिन कर सकते हैं। किसी एप्लीकेशन को टास्क के बारे में पिन या अनपिन करने से आपको एक सुविधा है कि आप एक क्लिक पर किसी एप्लीकेशन को खोल सकते हैं, उसके लिए किसी और बटन पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। चित्र में दिखाई दे रहा है हमने एक ब्राउज़र को पिन किया हुआ है, अगर आप उस पर राइट क्लिक करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है आप उसको अनपिन भी कर सकते हैं, अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार, अर्थात आप वहाँ से उसको हटा भी सकते हैं। किस प्रकार टास्क के बारे में किसी एप्लीकेशन को पिन या अनपिन कर सकते हैं उसका प्रोसेस चित्र में दिखाई दे रहा है, आप उस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का चित्र दिखाई देगा। उस प्रोग्राम को आप वहाँ से, अगर वो पहले से पिन है, अनपिन कर सकते हैं। अगर वो ओपन है, टास्क के बारे में पिन नहीं है, आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार, आप उसको पिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए सुविधा रहेगी अगर वो टास्क के बार में पिन है। तो ये कुछ बिंदुओं के बारे में हम बातचीत कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 2007 के बारे में। उम्मीद है आपको ये ऑप्शन काम आएंगे, पसंद आया होगा ये लेक्चर आपको। अगली कड़ी में कुछ और बिंदुओं के साथ हम आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।